हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक है हमारे पास कॉन्वेक्स सेट एंड कॉन्वेक्स फंक्शन। उसमें हमने कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लिए थे, कॉन्वेक्स सेट कहते किसे हैं डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स सेट की कुछ थ्योरम्स। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम जो है उसमें वो ये है, अ हाइपर प्लेन इन आर एन, कोई आर एन डाइमेंशनल हमारे पास स्पेस है, उसमें कोई हाइपर प्लेन है आर एन जो कि एक इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो फ्रेंड्स, ये हमें प्रूव करना है कोई हाइपर प्लेन है आर एन वो एक कॉन्वेक्स सेट है। तो फ्रेंड्स, इसको प्रूव करते हैं। पहले सबसे पहले हाइपर प्लेन होता क्या है फ्रेंड्स? हाइपर प्लेन फ्रेंड्स एक ऐसा सेट होता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सी एक्स बराबर जेड, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लेट सी एक्स बराबर जेड, जहाँ पे एक्स जो है वो एन डाइमेंशनल स्पेस में है और सी जो है वो एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो 1×n मैट्रिक्स का, ये इस तरह से है हमारे पास C, इस तरह से मैट्रिक्स है और x1 x2 और ये इस तरह से xn है, c1 c2 डॉट डॉट cn और ये हमारे पास इक्वल टू जेड है। तो इस तरह से ये हमारे पास सेट है। तो फ्रेंड्स, x1 x2 डॉट डॉट xn वाला ये सेट एक जो है होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक कॉन्वेक्स सेट होगा, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव कर रहे हैं, लेट सी एक्स बराबर जेड बी अ हाइपर प्लेन, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये हाइपर प्लेन को शो कर रहा है। अब हमने कोई दो पॉइंट्स ले लिए हमारे पास, वो पॉइंट्स हमारे पास x1 एंड x2 आर टू पॉइंट्स। तो फिर x1 और x2 भी वो हैं, वो हमारे पास n×1 में पॉइंट हैं। तो इसी तरह से जैसे x पॉइंट था वो x1 x2 था, इस तरह x1 भी पॉइंट इसी तरह से है और x2 पॉइंट भी इसी तरह से है। ये हमने दो पॉइंट एज्यूम कर लिए कि दो पॉइंट है। नाउ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बराबर हमें क्या करना है, अगर इस तरह कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट है वो इस हाइपर प्लेन आर एन के अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये अगर कोई पॉइंट को शो कर रहा है लैम्बडा बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच के लिए, सारे लैम्बडा की वैल्यूज के लिए ये हमारे पास पॉइंट्स को शो कर रहा है, तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या चाहिए, अगर इसको हम कह दें एक्स, तो सी कैपिटल एक्स बराबर जेड चाहिए हमें। तो हमें पहले सी का मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, सी लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2। तो यहाँ से हो गए हमारे पास सी लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा सी x2। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास सी x1 सॉरी लेमड़ा, इसको लिख सकते हैं सी x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा सी x2, ये लिख लिया हमने। अब फ्रेंड्स, x1 और x2 जो पॉइंट है वो हमने कहाँ से एज्यूम किए हैं, वो हाइपर प्लेन से हैं। तो हाइपर प्लेन से हैं x1 और x2, तो सी x1 बराबर जेड एंड सी x2 बराबर जेड होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है x1 एंड x2 आर पॉइंट इन हाइपर प्लेन के ये पॉइंट हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास सी x1 बराबर जेड होगा, सी x2 बराबर जेड होगा। तो ये होगा लेमड़ा जेड प्लस 1 माइनस लेमड़ा जेड, यहाँ से जेमड़ा सॉरी जेड कॉमन लिया, तो ये लेमड़ा प्लस 1 माइनस लेमड़ा ये होगा इक्वल टू जेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हो गया हमारे पास सी एक्स बराबर जेड। तो ये यहाँ से शो हो गया कि हमारे पास जो सेट ये जो है, मतलब हाइपर प्लेन जो है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सेट। ये हो गया यहाँ से प्रूफ। सेकंड थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, सेकंड थ्योरम जो है वो है हमारे पास, वो है अ क्लोज हाफ स्पेस H, वो हाफ स्पेस किस तरह से x सच दैट
सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड इज अ कॉन्वेक्स सेट। फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर हाफ स्पेस सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड बता रहा हूँ कि ये कॉन्वेक्स सेट है। फ्रेंड्स आप इसी तरह हमारे पास क्लियर से ओपन ले सकते हैं और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन की जगह लेस देन इक्वल टू वाले साइन भी कंडीशन होंगे तो उस कंडीशन में वो सेट होंगे वो कॉन्वेक्स होंगे। अब हमें ये शो करना है फ्रेंड्स, तो हमने लेट पहले क्या किया, दो पॉइंट ले लिए एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एच। अब चूंकि एक्स वन और एक्स टू जो है वो एच के पॉइंट हैं तो एच के पॉइंट है तो उस कंडीशन में हमारे पास सी एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जेड एंड सी एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जेड होगा। अब फिर हमें शो करना है कि अगर कोई पॉइंट किसी फिक्स वैल्यू लेमड़ा के लिए लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, लेमड़ा बिलोंग्स टू जीरो एंड वन, यानी कि लेमड़ा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये जो लाइन एक्स वन और एक्स टू के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है और लेमड़ा की किसी फिक्स वैल्यू के लिए उस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट को शो करेगा। तो अब हम शो करेंगे कि लेमड़ा की हर वैल्यू के लिए ये जो सेट है ये जो लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें शो करना होगा सी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जेड होगा। तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, ये हमें शो करना है, तो ये शो करना है। तो सी एक्स क्या है हमारे पास, लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, ये हो गया हमारे पास। ये एक्स वन और एक्स टू फ्रेंड्स, ये एक्स वन एक्स टू हैं, कन्फ्यूज मत होना क्योंकि हम मैंने छोटे लिख दिए थे यहाँ बड़े लिख दिए। तो यहाँ हो गए सी लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा सॉरी सी एक्स टू या सी एक्स टू यहाँ लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो सी लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा सी एक्स टू या इसको लिख सकते हैं लेमड़ा सी एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा सी एक्स टू। अब सी एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जेड है और सी एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जेड है, यानी जेड से बड़े हैं ये। अब हम एक छोटा नंबर ले रहे हैं क्योंकि ये इक्वल में चल रहे हैं, अगर हम ये इससे बड़े हैं और हम इससे छोटा नंबर यहाँ पुट कर रहे हैं मल्टीप्लाई में और लेमड़ा जो है जीरो से और वन के बीच में यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। अगर फिर नेगेटिव नंबर होता तो हम ये इनइक्वलिटी नहीं लगा पाते, लेकिन ये जो लेमड़ा है वो एक पॉजिटिव नंबर है तो उस कंडीशन में हम जेड जो है वो एक छोटा नंबर है और तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं जेड इसकी जगह जेड छोटा नंबर पुट करने पे ये हो जाएगा इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू लेमड़ा जेड प्लस वन माइनस लेमड़ा जेड। तो ये होगा यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से लेमड़ा जेड प्लस वन माइनस लेमड़ा जेड करेंगे तो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड हो गया। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं फ्रेंड्स जो आ क्लियर हाफ स्पेस जो क्लियर हाफ स्पेस है वो एक कॉन्वेक्स सेट है। थैंक यू फ्रेंड्स।